दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों को लगातार राजनीतिक दलों का समर्थन मिल रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी भी पहलवानों को समर्थन देने के लिए जंतर मंतर पर पहुंचे और केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी हर धरने को बदनाम करना चाहती है, लेकिन आंदोलन कमजोर होने वाला नहीं है। अनिल चौधरी हमारे साथ में है। सर, आज पूरे 13 दिन हो चुके हैं पहलवानों को प्रदर्शन करते हुए, किस वजह से? आप स्वाभाविक है, जो बात पहलवान और हमारे रेसलर्स, जिसमें हमारे भाई बहन हैं छोटे, जिन्होंने एक बड़े गंभीर आरोप कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह जी पे लगाए हैं, तो सरकार को उस पर संज्ञान लेना चाहिए था। और आरोप अत्याचार के हैं, महिला उत्पीड़न के हैं, भ्रष्टाचार के हैं, तो इसमें कब सरकार चुप्पी तोड़ेगी? आज पूरा मुल्क उनकी आवाज बना हुआ है, उनका साथ दे रहा है, और पहलवान भी, ये नौजवान भी बार बार अपील कर रहे हैं, उनकी अपील पे लोग आना चाहते हैं, लेकिन पुलिस बैरिकेडिंग लगा के बैठी हुई है, लोगों को आने नहीं दे रही है। अरे, इस लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात कहने का, और उस बात में यदि कोई समर्थन दे रहा है, जुड़ रहा है, तो उसको जुड़ने दीजिए। सवाल ये होता है कि बेटी बचाओ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री जी अब बेटियों की कब सुनेंगे? सवाल ये उठता है कि हनुमान जी पर राजनीति करने वाला व्यक्ति ये कैसे भूल जाता है कि अखाड़े में जब शीश झुकाता है तो सबसे पहले हनुमान को याद करता है? तो हनुमान जी के यदि सबसे बड़े कोई भक्त है तो ये पहलवान लोग भक्त हैं, तो पहले इन भक्तों की तो सुन लें, वोट बाद में मांग लें। जी, जिस तरीके से कह रहे हैं कि राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस का भी समर्थन नहीं मिल रहा है, तमाम चेहरे जो है यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए, पहलवानों ने, इन बच्चों ने, इन साथियों ने, बहनों ने समर्थन मांगा, जब अनसुना कर दिया सरकार ने इनको, तो लोग आए हैं, और आए हैं अन्याय के खिलाफ अपनी बात कहने के लिए, साथ देने के लिए। सरकार से जब सवाल पूछे जाते हैं तो इसी तरह के आरोप और बातें भाजपा करती है, आंदोलनों को बदनाम किया जाता है। याद होगा किसानों के आंदोलन को भी इस तरह से इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की थी। सच यही है, एक बड़ा मामला है, अत्याचार का भी है, भ्रष्टाचार का भी है, तानाशाही शासक का भी है, उसके खिलाफ लोग बैठे हम समर्थन देना। देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार जो प्रदर्शन है वो चल रहा है, और उसको लेकर तमाम जो राजनीतिक दल है वो एक लगातार सामने आ रहे हैं और अपना जो प्रदर्शन में जो दायित्व है वो निभाते हुए नजर आ रहे हैं और समर्थन दे रहे हैं, लेकिन आगे क्या कुछ होगा? क्योंकि पहलवानों की तरफ से जो प्रदर्शन का पूरा जो दायित्व है उसको खाप पंचायतों पर सौंप दिया गया है। अब जो फैसला खाप पंचायतों के माध्यम से लिया जाएगा वही पहलवान स्वीकार करते हुए नजर आएंगे। कैमरा पर्सन सूर्य के साथ मैं रिया टोडन, टीवी दिल्ली।